और बाइक के टायर की अलाइनमेंट चेक करते हैं कि आपकी बाइक के टायर अलाइन है प्रॉपरली या नहीं। 900 रुपीज़ का आपका सिर्फ इंजन ऑयल ही आता है, 900 रुपीज़ का रॉयल इनफील्ड में इंजन ऑयल डलता है 2.5 लीटर के अराउंड। और अगर आपकी बाइक 5000 किलोमीटर चल गई है या आपकी बाइक को 6 महीने हो गए हैं लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आपने जब स्टैंडर्ड लेते हैं, क्लासिक 350 बुलेट ली है, स्टैंडर्ड 350 बुलेट ली है, तो कब कब आपको अपनी बाइक की सर्विस करानी है। आज सर्विस शेड्यूल आपके साथ शेयर करेंगे हम आपकी बाइक का। तो दो तरीके से आप अपनी बाइक की सर्विस करा सकते हैं। जो फर्स्ट तरीका है वो है कि आपकी बाइक की रनिंग कितनी है, आपकी बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है, और सेकेंड कितना टाइम हो गया आपको बाइक लिए। फर्स्ट सर्विस, अगर हम फर्स्ट सर्विस की बात करें तो फर्स्ट सर्विस आपकी बाइक की होती है 45 डेज के अंदर। अगर आपकी बाइक 45 डेज हो गए हैं या 500 किलोमीटर चल गई है तो आप अपनी बाइक को सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं। अगर आपकी बाइक को 45 डेज नहीं हुए हैं लेकिन 500 किलोमीटर चल चुकी है तो आप सर्विस सेंटर जा सकते हैं 45 डेज से पहले। एंड अगर आपकी बाइक 500 किलोमीटर नहीं चली है तो 45 डेज जैसे ही हो जाएंगे आपको बाइक लिए तो आप सर्विस सेंटर जाके सर्विस करा सकते हैं अपनी बाइक की। ये थी फर्स्ट सर्विस की डिटेल। और फोर फ्री सर्विस होती है रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 बुलेट्स की। और सेकंड जो सर्विस है वो होती है 5000 किलोमीटर पे। अगर आपकी बाइक 5000 किलोमीटर चल गई है या आपकी बाइक को 6 महीने हो गए हैं लिए तो आप सर्विस सेंटर जाके सर्विस करा सकते हैं अपनी सेकंड फ्री सर्विस बुलेट की। इसमें भी यही रूल अप्लाई होता है, अगर आपकी बाइक 5000 किलोमीटर नहीं चली है, 2 या 3000 किलोमीटर चली है या 1000, तो अगर आपकी बाइक को 6 महीने हो जाते हैं तो आप सर्विस सेंटर अपनी बाइक को लेके जा सकते हैं। अगर आपकी बाइक 5000 किलोमीटर चल गई है 6 महीने से पहले ही तो आप अपनी बाइक को सर्विस सेंटर लेके जाके सर्विस करा सकते हैं। और थर्ड सर्विस आपकी बाइक की होती है जब आपकी बाइक 10000 किलोमीटर चल गई हो और आपकी बाइक को 1 साल हो गया हो। थर्ड सर्विस 1 साल के बाद होती है। और फोर्थ सर्विस 15000 किलोमीटर पे होती है आपकी बाइक की। जब आपकी बाइक 15000 किलोमीटर चल जाती है या 18 मंथ्स हो जाते हैं आपकी बाइक को लिए, 1.5 महीना आपकी बाइक को हो जाते हैं लिए, तो आप सर्विस सेंटर जाके सर्विस करा सकते हैं। तो हमने वीडियोस भी बनाई हैं कि जब आप सर्विस सेंटर जाते हो तो सर्विस वाले क्या मेंटेन करते हैं बाइक में, कैसी सर्विस करते हैं, कौन से पार्ट क्लीन करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और बुलेट बाइक में इंजन ऑयल डलता है इसमें 900 रुपीज़ का। 900 रुपीज़ का इसमें 2.5 लीटर इंजन ऑयल समथिंग डलता है, 2.5 लीटर के आसपास ही है, 2 लीटर से अवव ही है, तो जिसकी कॉस्ट 900 रुपीज़ आती है आपको। और इसमें जाली डलती है इंजन ऑयल फिल्टर, और इसकी कॉस्ट है 65 रुपीज़। जब आप सर्विस सेंटर जाओगे जो ये जाली रिप्लेस होगी तो इसकी कॉस्ट आएगी 65 रुपीज़ आपको। ऑयल फिल्टर चेंज होने के बाद एयर फिल्टर भी आपकी बाइक का क्लीन किया जाता है, चेन को ल्यूब किया जाता है, साफ किया जाता है, बाइक्स के जितने भी नट्स हैं सभी को टाइट किया जाता है, ब्रेक को इजीली टाइट कर देते हैं, आपके सारे स्विच प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं वो भी चेक करते हैं ऑन ऑफ करके, क्लच को भी वो चेक करते हैं कि कैसे चल रहा है, और वो क्लच को भी चेक करते हैं अगर आपका क्लच ज़्यादा लूज हो गया तो वो यहाँ से टाइट कर देते हैं आपकी बाइक के क्लच को, और जितने भी नट्स हैं वो टाइट कर देते हैं। ये बॉक्स खोलते हैं और इसमें बैटरी है उसको क्लीन करते हैं, और ये खोलते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, इस पूरे बॉक्स को भी क्लीन करते हैं और वायरिंग देखते हैं कि सारी वायरिंग प्रॉपरली फिट है या नहीं है, और बाइक के टायर की अलाइनमेंट चेक करते हैं कि आपकी बाइक के टायर अलाइन है प्रॉपरली या नहीं, और साउंड चेक करते हैं इंजन की एग्जॉस्ट पे हाथ रख के कि कोई अननेसेसरी साउंड तो नहीं आ रही आपकी बाइक के इंजन में से, तो ये सब पॉइंट वो चेक करते हैं सर्विस में। और उसके बाद आपकी बाइक जाती है वॉशिंग के लिए, होने के बाद आप अपनी बाइक को ले जा सकते हैं सर्विस की जितनी भी कॉस्ट है पे करके। तो ये सब पॉइंट्स थे जो सर्विस के टाइम होते हैं और आपको अपनी बाइक की सर्विस कब करानी चाहिए। फोर फ्री सर्विस मिलते हैं, उसके बाद आपको पेड सर्विस ही करानी पड़ती है, और लेबर कॉस्ट इसमें और ऐड ऑन हो जाती है, फ्री सर्विस में लेबर कॉस्ट वो ऐड नहीं करते हैं।
फ्री सर्विस की कॉस्ट आती है अराउंड 1100 या 1000 और 1100 के बीच में फ्री सर्विस की कॉस्ट आती है, अगर आप कोई पार्ट नहीं डलवाते हैं अपनी बाइक में या कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डलवाते हैं। अगर आपकी फोर फ्री सर्विस ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद पेड सर्विस है, उसमें ऐड ऑन कर देते हैं वो लेबर चार्जेस, और रॉयल इनफील्ड 750 रुपीज़ अभी लेबर चार्जेस ले रही है इन जम्मू, और अदर सिटीज़ का मेरे को नहीं पता। तो आगे ये कॉस्ट और इंक्रीज हो सकती है, 800-900 भी जा सकती है। तो जब आप फ्री सर्विस ख़त्म हो जाएंगी, पेड सर्विस कराएंगे, तो आपकी बाइक की सर्विस अराउंड 1900-1800-2000 टच कर जाएंगी, और फ्री सर्विस 1100-1200 के बीच में हो जाती है, जिसमें 900 रुपीज़ का आपका सिर्फ इंजन ऑयल ही आता है। 900 रुपीज़ का रॉयल इनफील्ड में इंजन ऑयल डलता है 2.5 लीटर के अराउंड, और एयर और ऑयल फिल्टर 65 रुपीज़ का डलता है, और बाकी थोड़ी सी और कॉस्ट ऐड ऑन करते हैं ल्यूब्रिकेंट जो आपकी चेन को लगाते हैं और अदर चीज़ें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं यार, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और मैंने देखा है मैक्सिमम जने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, लाइक कर दें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अलविदा, फिर हम चलते हैं अब।